हाय, वेलकम टू अनी फैशन। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पोंचो की कटिंग और सिलाई। आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर और आखिरी तक ज़रूर देखें, इससे आपको कटिंग और सिलाई में बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए दिखाते हैं पोंचो की कटिंग कैसे की जाती है। आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको पोंचो की कटिंग किस तरीके से करी जाती है और किस तरीके से कपड़ा बिछाया जाता है। ये हमने कपड़ा लिया है, कपड़ा हमारा ये है 2 मीटर, और इसको हम किस तरीके से कटिंग के लिए बिछाएंगे। इसको हमने पूरा इस तरीके से खोल लेंगे। कपड़ा हमने डबल करके बिछाया है, खुली साइड अपनी तरफ और सीधा अंदर की तरफ है और उल्टा ऊपर की तरफ। इसको हमने इस तरीके से बराबर खुली साइड को मिला करके इसको हम बीच सेंटर बनाएंगे। ये हमने कोने से ट्रायंगल की तरह इस तरीके से कपड़े को बिछा लेंगे। ये हमने ट्रायंगल बना लिया है और इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। सबसे पहले हम ऊपर ये कोने से लंबाई नापेंगे। इस तरीके से लंबाई है 38 इंच और हम रखेंगे 39.5 इंच लंबाई। ये हाइट के हिसाब से होता है। लंबाई है 38, तो हम 39.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हमारा ये मार्जिन है। इस तरीके से निशान लगाते जाएंगे 39.5 पे। इस तरीके से पूरा ये हमने निशान लगा लिया है। अब जो ये हमने 39.5 इंच पे निशान लगाया है, अब इसको हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये हमने नीचे घेरे का निशान लगा दिया है नीचे से गोलाई में। अब हम ऊपर से गले का निशान लगाएंगे। ये हमने कोने से 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगा दिया है 3.5 इंच पे। अब हम इस कोने से नीचे की तरफ गले का निशान लगाएंगे इस तरीके से 4.5 इंच पे। ये हमने निशान लगा दिया है 3.5 इस पे निशान लगाया, 4.5 गले का निशान लगाया है ताकि शेप गले की शेप के लिए। इस तरीके से ये हमने गले की शेप दे दी है राउंड में। अब हम कटिंग करेंगे इसकी इस तरीके से। ये हमने कटिंग कर दी है। अब हम नीचे की तरफ कटिंग करेंगे इस तरीके से, जैसे हमने निशान लगाया है उसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब हम इस साइड से बराबर करेंगे कटिंग करके, इस तरीके से बराबर कर लेंगे कपड़े को कटिंग करते हुए। पूरा नीचे तक ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम ये जो हमारा ऊपर का कपड़ा है इसमें हम जॉइंट लगाएंगे।
ये हमने कपड़ा लिया है जो बचा हुआ, इसके इसमें हम जॉइंट लगाएंगे इस तरीके से, इसको भी बराबर करके इसके ऊपर बिछाएंगे। और जैसे जैसे ये शेप दे रखी है नीचे की राउंड में, इस तरीके से इसको काट लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है। सबसे पहले हमने कपड़े को लंबाई में बिछाया था इस तरीके से, तिकोना करके लंबाई में इस तरीके से बिछाया था, और लंबाई थी हमारी 38 इंच, और हमने 1.5 इंच बढ़ाया 1.5 इंच मार्जिन के लिए। और फिर उसके बाद हमने ये राउंड में शेप दी थी, और फिर उसके बाद जो तिकोना हमने ये बिछाया था कपड़ा, हमने यहाँ से 3.5 इंच लिया था और नीचे गहराई 4.5 इंच ली थी। इस तरीके से हमने ये कटिंग करी है। अब हम इसको दिखाते हैं खोल करके किस तरीके से। ये हमने इस तरीके से कटिंग कर दी है, और ये हमारा फ्रंट पल्ला और ये बैक पल्ला, ये दो पल्ले हैं। इस तरीके से हमने कटिंग कर दी, और ये पूरा घेर है हमारा। और जो ये हमने जो ये कपड़ा काटा हुआ है, ये नीचे इस तरीके से हमने लगाया ये घेर शेप देने के लिए। पूरा कपड़ा है ये एकदम कटिंग कर ली हमने। अब हम आपको पोंचों की सिलाई दिखाएंगे। इसमें तीरे का नाप लेते हैं, तीरे के हिसाब से हम गले की कटिंग और सिलाई करते हैं। चलिए दिखाते हैं पोंचों की सिलाई कैसे की जाती है। अब हम सिलाई दिखाते हैं इसके किस तरीके से करेंगे। जो हमने ये टुकड़ा काट रखा है घेर का, सबसे पहले हम इसको इसमें हम किस तरीके से जॉइंट लगाएंगे इसका। सबसे पहले हम सीधा है अंदर की साइड, ये ध्यान रहे सीधा साइड, इस तरीके से दोनों पल्ले को इसी तरीके से पकड़ के ये दोनों हमारा सीधा रहे अंदर की तरफ। और फिर उसके बाद इसके ऊपर रख करके सिलाई लगा लेंगे, और इसी तरीके से ये अंदर की साइड सीधा है और ये ऊपर का पल्ला है ये सीधा है, इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर पलट करके सिलाई लगा लेंगे। और फिर सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से इसको खोल लेंगे, और दोनों पल्ले इस तरीके से जुड़ जाएंगे। अब हम ये जोड़ हम इस पे जॉइंट करेंगे इस तरीके से। ये हमने एक जॉइंट जोड़ दिया है इस पे। अब हम दूसरे पल्ले पे भी जोड़ेंगे। ये हमने दूसरी तरफ का भी जोड़ लिया है जॉइंट। ये हमने फ्रंट पल्ला लिया, अब इसको हम इस तरीके से बराबर कर लेंगे इस तरीके से।
अब हम यहाँ से अब गले का नाप लेंगे। गला है 6.5 इंच, तो अब इस तरीके से निशान लगाएंगे 6.5 पे। इस तरीके से निशान लगा लेंगे, 6.5 पे हमने निशान लगा लिया है। अब हम शेप देंगे गले की इस तरीके से। ये हमने राउंड में शेप दे दी है गले के लिए। अब हम कटिंग करेंगे। ये हमने गले के लिए शेप दे दी है। ये गला हो गया हमारा राउंड। अब हम गला बनाएंगे किस तरीके से। सबसे पहले हम बैक पल्ला, ये हमने बैक पल्ला ले लिया है, और सीधी साइड दोनों अंदर की तरफ है। इस तरीके से हम एक साइड से पहले सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से एक साइड से पूरा नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है। ये हमने बचा हुआ कपड़ा लिया है। अब इसमें हम गले के लिए और एक पट्टी काटेंगे इस तरीके से, 1.5 इंच की पट्टी। ये हमने और एक पट्टी काट ली है 1.5 इंच की। अब हम गले के ऊपर से हम लगाएंगे इस तरीके से। ये हमने पूरे गले में और एक पट्टी लगा दी है। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे इस तरीके से, अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगाएंगे किनारे पे। अब हम इसको, ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम कटिंग कर लेंगे पट्टी को। ये हमने पट्टी लगा दी है। इसको हम अब एक साइड से सिलाई लगा करके बंद कर देंगे पूरा नीचे तक। अब हम जो पट्टी लगाई है, इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से।
ये हमने गला बना दिया है। अब हम नीचे के साइड घेरा मोड़ेंगे। नीचे की साइड घेरा मोड़ेंगे इस तरीके से। सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे। अब ये हमारा पोंचो तैयार हो चुका है। इसके गले में आप लेस लगा सकते हैं और नीचे भी लेस लगा सकते हैं। इसको आप स्कर्ट में, ब्लाउज में और जीन्स में भी पहन सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमें सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू। बाय बाय।